आइए स्टूडेंट्स, हम कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के इस थर्ड कॉन्सेप्ट को देखते हैं। इसमें मैंने आपको एक न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है जो कि बहुत ही सिंपल है और अभी तक जो मैंने कराया है उसी पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल्स है, तो उसको करना भी हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो, इसमें न्यूमेरिकल में पोटेंशियल और कैपेसिटेंस दिया हुआ है। सिर्फ देखते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या गिवेन है। पहला वोल्टेज जो कि 150 वोल्ट का है, और दूसरा कैपेसिटेंस जो 10 पिको फराड का है। इस 10 पिको फराड को आप लिख सकते हो 10 × 10−12 फराड, तो ये 10−11 फराड ये आ जाएगा। तो आपके पास जो अभी तक हमने स्टडी किया है जहां तक, उसके अकॉर्डिंग जो सिंपल सा फॉर्मूला होता है वो Q=CV है। C की वैल्यू आपके पास 10−11 है और V की जो वैल्यू है वो 150 की है। तो इस तरह से ये सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आ जाता है 1.5 × 10−9 कूलम। ये बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चंस है जो कैपेसिटर पे बेस्ड है, और इस तरह के सारे क्वेश्चंस अपने सीरीज के अकॉर्डिंग मैं यहां पे करता चला जाऊंगा। तो आप ध्यान से पूरे फॉर्मेट को आप ध्यान से देखते जाना।